उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कि आप सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में जातीय गणना से जुड़ा मामला न्यायालय में पिछले कई महीने से उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक इस पर सुनवाई चलती रही, लेकिन केंद्र सरकार कहीं इसमें शामिल नहीं हुई थी। अनेक तरह से लोग लोकहित याचिकाओं के माध्यम से इसको बाधित करना चाह रहे थे, लेकिन बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण ये मामला कहीं रुका नहीं और पटना उच्च न्यायालय ने बिल्कुल बिहार सरकार की सोच और जो ये जातीय गणना का काम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करा रही है उसके पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? क्या कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार इन्होंने सुबह में एक एफिडेविट फाइल किया। एफिडेविट में यह कहा कि कास्ट सेंसस का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, संघ सूची में है, राज्य को अधिकार नहीं है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय पटना ने साफ तौर पर कहा था कि प्रक्रिया सही है, जाति सर्वे किया जा रहा है। राज्य मंत्रिपरिषद का यह फैसला था जो बिल्कुल संवैधानिक था। तो लगता है कि आत्मज्ञान हुआ, चंद्रयान से कुछ ज्ञान आया आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। वही गृह मंत्रालय उन्हें एफिडेविट फाइल करता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, राज्य अपना करे। इसका क्या निहितार्थ है? इसे कुर्ता बंडी बदलने की बात है? अरे सरकार का नजरिया एक बार, अगर सरकार कोई याचिका दाखिल करती है सहमत नहीं उसको वापस ले लेगी। लेकिन सुबह में एक एफिडेविट, शाम में एक एफिडेविट, इसे लगता है कि शुगर हो गया है तो सवेरे में फल खाइए, शाम में पूरा भोजन दीजिए, यही हालत है भाजपा का। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जातीय जनगणना के पक्ष में रही है, इस बात को पूरा बिहार जानता है। जितने बार भी इसका प्रस्ताव बिहार के विधानसभा में आया है भारतीय जनता पार्टी सभी प्रस्तावों के समर्थन में रही है। सम्राट चौधरी जी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी आंकड़े इस सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार के पास आए हैं उस पूरे आंकड़े को बिहार सरकार जारी करे, नहीं तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये सरकार समाज के पिछड़े अति पिछड़े दलितों महादलितों को ठगने का काम कर रही है।